नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देखें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और परिवार में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। मामला थाना मटसेना क्षेत्र के रसीदपुर कनाटा चौराहे का है, जहाँ मुकेश उम्र करीब 53 वर्ष रसीदपुर कनाटा निवासी नल की बोरिंग का काम करता था। वह पास में ही गांव अकलपुर नल की बोरिंग सही करने के लिए साइकिल से जा रहा था। रसीदपुर कनाटा चौराहे पर आगरा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। मुकेश के साथ दो अन्य रोड क्रॉस कर रहे लोग भी इसमें घायल हो गए। चीख पुकार की आवाज सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मुकेश की मौत हो चुकी थी, वहीं अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मुकेश के भाई ने बताया कि वह नल की बोरिंग सही करने के लिए गांव जा रहा था। तेज रफ्तार कार की टक्कर से उसकी मौत हो गई। नल सही करने का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था मृतक। एक 10 साल का बेटा है। चौकी प्रभारी ने बताया शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। परिवारी जनों की तहरीर के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट संवाददाता ऋषि पंडित के साथ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ है, कौन है आपके और क्या कैसे हुआ है? ये हमारे स्टाफ के थे, मुकेश करवेन और ये साथ में लड़के जो काम करने जा रहे थे कलपुर संभाल निकालने के लिए। तो क्या हुआ, मतलब वहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ? ये हुआ चौराहे क्रॉस कर रहे थे, क्रॉस करके कनाटा चौराहे पर, रसीदपुर कनाटा चौराहे पर क्रॉस करते ही गाड़ी एक टिब्बी आई, टिब्बी ने जो कहा साइकिल में जो है ठोकर दी। फिर एक गाड़ी आई लाल कलर की, लाल कलर की गाड़ी ने जो है कहा उसमें तीनों लोगों में जो बीच में जो है देखी हुई चली। किसकी मौत हुई है इसमें? मुकेश कुमार भजन लाल।